मुख्यमंत्री जी के पेट में दर्द हो रहा है कि देश में रेलवे में इस तरीके से अभूतपूर्व काम कैसे हुए, जिसका माइलेज प्रधानमंत्री जी को और उनके दल को कैसे मिलता है, इस बात की तकलीफ है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, स्मरण कराना चाहता हूं कि इस बात को बात से वो तो इत्तेफाक रखें कि नहीं रखें, लेकिन हिंदुस्तान की जनता जानती है कि देश में भ्रष्टाचार की जनक कांग्रेस पार्टी है। नवीनीकरण की, नवाचार की, तरक्की की बात आती है, सुविधा और सहूलियत की बात आती है, तो आज दुनिया का दूसरा बड़ा रेल नेटवर्क है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान को पहली वंदे भारत की सौगात दी है। पूरे देश में 2014 से लेकर आज तक कनेक्टिविटी के तौर पर, चाहे हवाई यातायात हो, चाहे रेल यातायात हो, चाहे सड़क यातायात हो, एक अभूतपूर्व और क्रांतिकारी काम हुए हैं। खास तौर पर रेलवे अब आम जनता की रेल बनी है, सुविधाएं विकसित हुई हैं, नवाचार हुए हैं, और इसी क्रम में देश में 800 वंदे भारत चलना, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक पूरे देश को जोड़ेंगी, यातायात सुगम होगा, सुरक्षित होगा और आरामदायक होगा। ऐसे अवसर पर जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ बातों का पृष्ठभूमि में उल्लेख किया, जिसका किसी पार्टी से, किसी व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं था, ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की प्रतिक्रिया किस्से कहानियों के रूप में बड़ी लंबी चौड़ी आई है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, स्मरण कराना चाहता हूं कि इस बात को बात से वो तो इत्तेफाक रखें कि नहीं रखें, लेकिन हिंदुस्तान की जनता जानती है कि देश में भ्रष्टाचार की जनक कांग्रेस पार्टी है। आकाश से लेकर पाताल तक कोई ऐसा क्षेत्र छोड़ा नहीं जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो, और इसलिए जब देश में रेलवे की नवीनीकरण की, नवाचार की, तरक्की की बात आती है, सुविधा और सहूलियत की बात आती है, तो आज दुनिया का दूसरा बड़ा रेल नेटवर्क है और जिसमें प्रतिदिन 10 करोड़ के लगभग लोगों की आवाजाही होती है। आने वाले समय में रेलवे में और ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे, और इसी बात का उल्लेख करते हुए कोई प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री जी का कोई मंतव्य दिखता नहीं था, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से इसको सियासी रंग दिया है और जिस तरीके से राजनीतिक बात कही है, अपनी सरकार की उपलब्धियां हर कोई उसको बताएगा, आम जनता से जिसका ताल्लुक रहता है उसमें भी मुख्यमंत्री जी के पेट में दर्द हो रहा है कि देश में रेलवे में इस तरीके से अभूतपूर्व काम कैसे हुए, जिसका माइलेज प्रधानमंत्री जी को और उनके दल को कैसे मिलता है, इस बात की तकलीफ है। जो काम कांग्रेस की रिजीम में नहीं हुआ, उनके कालखंड में नहीं हुआ, आज यदि वो इस तरीके की अभिनव योजनाएं बनती और भारत दुनिया का अच्छा विकसित नेटवर्क बनता है, तो उससे मुझे लगता है कि उस पर सियासत मुख्यमंत्री जी को नहीं करनी।